सादगुरु नमस्कार, स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक गणित विज्ञान और तकनीकी के मूल्य जागृत हैं उनको अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वेद के मूल्य हैं। वेद के मूल्य वेदांत कहलाते हैं। वेदांत हमारे पास उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता के स्वरूप में जागृत है। अगर हम सर्वप्रथम ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस पर केंद्रित हों तो अथातो 1, 5, 1, 2, 4 और 7, ये 1, 6, 7, 9, 13 और 7 20 ब्रह्म 7, 1, 1, 9, 9 और 1 28 जिज्ञासा 4, 2, 4, 6, 2, 3 और 2, 5, 8, 13, 13 और 10, 23 ये हमारे पास 20, 48 और ये 71, ये हमारे पास एक व्यवस्था बन रही है। इन ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में पहुंचने के लिए हमारे को सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, इन दो निष्ठा के स्वरूप में पहुंचना होगा। ये निश्चय गीता का है। सांख्य निष्ठे का तात्पर्य होगा कि हम दिव्य अंकों की व्यवस्था को जानें, और योग निष्ठा का तात्पर्य होगा कि हम स्थापत्य को जानें। ये जानने के लिए हमें कोई भी ग्रंथ जब लेंगे, ब्रह्मसूत्र लेंगे, तो ब्रह्मसूत्र में 28 जमा 15 बराबर 43 और ये ब्रह्मांड का अंक है। तो इससे हमें स्पष्ट होता चला जाएगा कि ये ब्रह्मसूत्र अंकों में जैसे परिवर्तित करेंगे तो ये गीता का कर्मयोग हो जाएगा, तीसरा अध्याय हो जाएगा, और जब हम स्थापत्य में जाएंगे तो ये ब्रह्मांड हो जाएगा। तो कर्म योग का ब्रह्मांड से क्या संबंध है, ब्रह्म सूत्र किस तरह से कर्म योग को ब्रह्मांड की विद्या में पहुंचा रहा है, या किस तरह से ये दोनों विद्याएं जागृत हो रही हैं, ये पता चलेगा। अब ये ब्रह्म सूत्र का लेखक आथर इसको ब्रह्म दृष्टि करने में कृष्ण दोपायन हैं। कृष्ण दोपायन व्यास जी का नाम है। व्यास जी कृष्ण दोपायन के स्वरूप में इस सूत्रों को जागृत अवस्था में हमारे पास पहुंचा रहे हैं। कृष्ण दोपायन 1, 4, 6, 7, 1, 6, 7, 8, 5, 2, 1, 1, 8 और 1, ये 58 बनता है। ये 29 जमा 29 है, ये ब्रह्मा का अंक है। तो ब्रह्मा जी किस तरह से अपने स्वयं से इस विद्या को जागृत करते हैं, ये व्यास जी हैं। व्यास जी जो है
अपने व्यास पीठ पर इस विद्या को जागृत करते हैं और ये चतुष्पीठ का तेज स्वरूप में स्वीकार्य है। ये सब जो शब्द हैं, इन शब्दों में गणित किस तरह से जागृत है और इस जागृत गणित को कैसे हमें उपयोग में लाना है, तो ब्रह्म सूत्र जो वेदांत दर्शन है, जो कृष्ण द्वापरायण जी का संकलित ग्रंथ है, ये 555 सूत्रों का ग्रंथ है। ये 555 क्योंकि वेद का अंत है, वेदांत है, परणवा सर्वदेशु, सब वेदों में परणव है। परणव 36 दिव्य अंक की फॉर्मूलेशन है, तो ये 555 बराबर 519 + 36, ये हमें गणित सूत्र और उप सूत्रों के जो अक्षर हैं उसकी संख्या 519 है। और इन सूत्रों में जो कुल देवनागरी के वर्णों का उपयोग किया गया है वो 36 हैं। इस तरह से हम ये देख पाएंगे कि ये ब्रह्म सूत्र और गणित सूत्र का संकलन, व्यवस्था, ज्ञान, ये सब एक ही धारा वाला है। इसलिए गणित सूत्रों के विद्यार्थियों को ब्रह्म सूत्र के ज्ञान के सामने चलना होगा। अब ब्रह्म सूत्र का अंतिम संदेश गीता है और गीता कुल 700 श्लोकों का ग्रंथ है। 700 संख्या जो हमारे पास है ये 555 + 145 बनती है। 145 संख्या 5 × 29 है। तो ये ब्रह्मा जी जब शिव जी की कृपा को प्राप्त करते हैं तो ये व्यवस्था में ब्रह्म सूत्र स्वरूप ज्ञान और गीता का ज्ञान साम्य मूल्यों वाला उज्ज्वलित होता है। तो गणित सूत्र, ब्रह्म सूत्र और गीता, इन ग्रंथों का साम्य प्रवाह हमें सर्वप्रथम ये निश्चय कराएगा कि गणित सूत्र वैदिक हैं, ये वैदिक ज्ञान के अनुसार है और ये कर्म विद्या है, ये सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के अनुसार ही इन सूत्रों में प्रवेश किया जा सकता है और इस विद्या को जागृत किया जा सकता है। आइए देखें कि किस तरह से ये ग्रंथ जो ब्रह्म सूत्र है ये चार अध्यायों वाला है और हर अध्याय के चार चार पाद हैं, तो ये 16 पादों वाला ग्रंथ है। गणित सूत्र भी हमारे पास 16 हैं। आइए हम देखें कि चार स्पेस में, ब्रह्मा जी के स्पेस में, जब उनके हृदय की ग्रंथि किस तरह से खुलती है, जागृत होती है, उसके बारे जाने तो हम पाएंगे कि ब्रह्मा जी की कृपा से ब्रह्मा जी 10 ब्रह्मा हो जाते हैं। और इस अवस्था में ये जो
शिवलोक में 10 ब्रह्मा की अवस्था है, ये 4 और 6 अवस्था में होते हुए ये 5 स्पेस के डबल डिजिट्स की विद्या बन जाती है। ये जो 4 और 6 की व्यवस्था है, ये 6 स्पेस का 4 स्पेस डायमेंशन है, ये स्वरूप में आ जाता है। और 6 को 4 से गुना करेंगे तो ये 24 है। किस तरह से ये विभाजन इधर डोमेन का है और इधर डायमेंशन का है, ये व्यवस्था बनती है। और 4 गुना 6 24 जो है, ये पुरुष विद्या बनती है। और इस पुरुष विद्या से आगे अपौरुषी विद्या, ये 25 अंक वाली है। इस तरह से ये संख्याएं का जो आर्टिफाइसेस हैं और जो डायमेंशनल स्पेसेस हैं, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन है, इंटरलॉकिंग है। इसलिए हमें इस वैदिक तकनीकी का उपयोग करना है तो हमें ये स्पष्ट रूप से जानना होगा कि दिव्य अंकों की व्यवस्था और स्थापत्य का आपस में संबंध क्या है। इसको जानने के लिए आइए हम देखें कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, वह किस तरह से दिव्यता के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। ये 4 स्पेस जो डोमेन होती है, ये जब डायमेंशन का रूप लेगी तो ये 5 स्पेस की बाउंड्री पर 10 कंपोनेंट्स वाली हो जाएगी। और ये 10 कंपोनेंट वाली जो आगे तेज को प्रवेश करेगी तो ये 6 स्पेस के अंदर डायमेंशन और डोमेन दोनों को एक साथ जागृत करेगी। तो ये व्यवस्था जो ब्रह्मा जी की है, जो 10 ब्रह्मा होते हुए विष्णु लोक को जागृत कर रहे हैं, या विष्णु लोक से किस तरह से शिव लोक के माध्यम से सृष्टिकर्ता का जन्म हो रहा है, ये सब विद्याएं एक साथ इस क्षेत्र में जागृत हैं। इस जागृत क्षेत्र को आइए देखें कि 4 स्पेस के अंदर उसकी नाभि पर, उसके ओरिजिन पर किस तरह से घटित हो रहा है। 4 स्पेस का ओरिजिन 5 स्पेस है। ये 5 स्पेस की जो डोमेन है, ये स्पेशियल ऑर्डर के कारण से उत्तरायण 17 अंकों वाली, दक्षायण 19 अंकों वाली, और इसका केंद्र 6 स्पेस किस तरह से इस 5 स्पेस को 2 भागों में बांट रहा है। ये 5 स्पेस किस तरह से उसके ओरिजिन के कारण से उत्तरायण और दक्षायण में पूर्ण स्वरूप में 5, 6 जमा 5, ये 16 व्यवस्था वाला, ये हमारे जो जीव की यात्रा है या जो हमारे गणित सूत्र हैं, उनकी विद्या का क्षेत्र जागृत होता है। किस तरीके से जब हम केंद्र पर रहते हुए हम उत्तरायण की दृष्टि करते हैं, 17 अंक के विभाग में पहुँचेंगे, और किस तरह से इस कैलाश को हम पाताल तक दृष्टि करेंगे, ये शिवलोक से विष्णुलोक की विद्या को इस सृष्टिकर्ता के क्षेत्र में जानेंगे, तो हम पाएंगे कि जो एक अंक है, यही 3 अंक के बराबर किस तरह से है, क्योंकि हमने 1 का दिव्य अंक भी 8 है और 3 का दिव्य अंक भी 8 है। तो यहाँ पर 17 और 3 तरफ जाने के कारण से 51 होगा, और 1 और 19 एक के कारण से होगा, ये 51
और ये 19, ये हमारे पास 70 का अंक है, और मध्य में ये जो 5 + 6 + 5 ये जागृत होकर 16 जागृत हो रहा है, तो ये हमारे पास 86 होगा, जो कि 43 + 43 है। तो ये ब्रह्मांड जो 43 अंक का कर्म योग के कारण से है, ये ब्रह्मांड ही दो ब्रह्मांड, उत्तरायण का ब्रह्मांड और दक्षायण का ब्रह्मांड, एक समांतर साम्य समुच्चय वाला हो जाता है। ये विद्या को जानना है, इन गुणों को अपनाना है। इसलिए हम साधकों को जब गणित सूत्रों के गणित से गणित की विज्ञान और तकनीकी में पहुंचना है, तो हमें इस गणित विज्ञान और तकनीकी एक साथ कैसे जागृत हो रहे हैं, और ये वेद का जो क्षेत्र है यही उपनिषद बनेंगे, मतलब संहिता जो है वो उपनिषद होगी। संहिता 30 अंक है, जो कि चतुष्पीठ है, और उपनिषद 32 अंक है, जो कि उद्धर्व, 23 अंक और अध 9 अंक वाली है। तो इस तरह से ये चतुष्पीठ जब 10 दिशाओं वाली होगी, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण में जब उधर्व और अध्य, ये दिशाएं भी साथ में जागृत हो जाएंगी, तो ये हमारे पास 222 चतुष्पीठ पे और 32 अध्य और उधर्वम, ये हमारे पास 254 अंक होंगे। और ये 254 अंक ही हमें ये बतलाएंगे कि किस तरीके से जो नक्षत्र हैं, वो 27 जो नक्षत्र हैं, ये इस क्षेत्र को किस तरह से जागृत करके 283 पूरे 16 सूत्रों के समांतर हैं। तो गणित सूत्र जो कि 16 हैं, जो कि 283 अंकों वाले हैं, ये हमारे सौरमंडल में जो चतुष्पीठ है, इसको उधर्व और अध्य, कैलाश और पताल तक के पूरे स्वरूप में 27 नक्षत्रों को जागृत करने वाली विद्या है। इस तरह से हम ये जान पाएंगे कि अगर हमें वैदिक गणित को, वैदिक गणित को अगर हमने विज्ञान और तकनीकी में ले जाना है, तो हमारे को जो सौरमंडल है, इसके अंदर नक्षत्र जो हैं, ये चतुष्पीठ पर तेज को कैसे जागृत कर रहे हैं, तो चतुष्पीठ का जो तेज है ये 30 × 15 = 45 के बराबर है, जो कि 1 से 9 तक का योग है। इस 1 से 9 तक का योग से ही हमारे को ये पूर्ण विद्या, मूल अंकों की विद्या के समांतर, इस तरह से हमें इस सौरमंडल की विद्या को मूल अंकों की विद्या मानकर जब अपनाएंगे, जब इसमें अपनाने की, स्थापत्य के सामने करने की हमारे में क्षमता आ जाएगी, तो हम वैदिक गणित से किस तरह से इस सौरमंडल को संपूर्ण रूप में, इस ब्रह्मांड को संपूर्ण रूप में कैसे जाना जाए, एक ही क्षेत्र कैसे बनेगा, इस एक ही क्षेत्र को
एक ही तरह की विद्या से, एक ही साधन से, एक साथ ही इकट्ठा कैसे अपनाया जा सकता है, कैसे जागृत किया जा सकता है, ये जानने की जिज्ञासा हम में होनी चाहिए। अतः जिनके पास जितनी भी निष्ठा है, वो अगर ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र से 555वें सूत्र तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है उसको क्रम अनुसार अगर जानेंगे तो वेद क्षेत्र को पूर्णता जागृत कर लेंगे। अब इस वेद को अगर हम ऋग्वेद के प्रथम मंत्र को देखें तो ये यज्ञ की प्रक्रिया है। अग्नि मिले प्रोहितम यज्ञ से, ये यज्ञ से साधना हो रही है। तो ये यज्ञ से जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और किस तरह से हमारे पास जो 519 वर्णों के गणित सूत्र हैं और उसके ये जो 36 देवनागरी की वर्णों के माध्यम से संकलित किया गया है, ये जो 555 की विद्या है, जब इस एक को त्रय में परिवर्तित करेंगे, एक को तीन मानकर चलेंगे, तो हम देखेंगे कि 15 1 15 16 1 15 16, ये जो सन्वंतर युग है, जो 1830 तिथियां हैं, इनका जब अंतर देखेंगे तो ये हमारे पास 165 जो कि 5 × 33, तो हमें ईशान कोण से किस तरह से अग्नि कोण तक पहुँच कर ओम नमः शिवाय 63 अंक के अनुसार पूरे सौर मंडल की जागृति की अवस्था को प्राप्त करना है, कर सकते हैं। इसलिए साधको, आइए हम गणित सूत्रों को ब्रह्म सूत्र के सामने जाने, गीता के 700 श्लोकों को ब्रह्म सूत्र के सूत्रों और गणित सूत्रों के साथ साम्य अवस्था में जागृत करें। इस यज्ञ से ये जो हम इस ज्ञान को इस स्वरूप में जागृत कर रहे हैं या जागृत करना चाहते हैं, या जो इन दिव्य अंक की जो हमारे पास विभूति है, दिव्य अंकों में जो विभूति है, इसकी प्राप्ति हेतु जो हम यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ ही हमें पूर्णता वेद के मंडल को जागृत करने में सामर्थ्य प्राप्त कराएगा। और जैसे ही हमारा सामर्थ्य वेद मंडल के चतुष्पीठ तेज के समांतर प्राप्त हो जाएगा, तो ही हम वेद में वो सब जो के किसी कारण से हमारे तक नहीं पहुंच पाया, उसको भी जागृत कर पाएंगे। साधको, हमें साधना करनी है। वो साधना पूरे संवत्सर युग 366 वर्षों के 5 वर्षों की 1830 तिथियों के समांतर करना है। और इतना तपस्या करने के पश्चात ही हम साधक कहलाने के अधिकारी हो पाएंगे। स्वामी जी ने हमें
ध्यान के माध्यम से इस प्राप्ति की दिशा निर्देश किया है। आइए हम इस पथ पर अग्रसर हों और वेद हमारे मस्तिष्क में जागृत हो, हमारी बुद्धि का चतुष्पीठ तेज आधार हो, इस क्षेत्र का क्षेत्र के स्वयं इस पीठ पर आधारित रहकर हमें हमारे विद्या के आनंद की प्राप्ति कराए। धन्यवाद।